हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 25 जून। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसे यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है? ऑप्शन ए है के रघुनाथ, बी रविंद्र कुमार, सी दिव्या सिंह, डी शरद पाल। कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ, जिन्हें पप्पाची नाम से भी मशहूर थे, और ये लोकप्रिय बीगल्स बास्केटबॉल के संस्थापक सदस्य भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 5 वर्षों के लिए बंगलोर विश्वविद्यालय का हिस्सा थे, जिसमें वो बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी रहे थे और 3 बार चैंपियनशिप भी जीती थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए के रघुनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पतंजलि ने कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन ए है ग्लेनमार्क, बी कोरोनिल, सी सिप्ला, डी बायकॉन फार्मा। हाल ही में पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी दवाओं को लॉन्च किया है, जिसमें कोविड किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। कोरोना किट ₹545 में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोरोनिल। तीसरा प्रश्न है, भारत ने आने वाले 2 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट UNRWA में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है $10 मिलियन, बी $15 मिलियन, सी $20 मिलियन, डी $25 मिलियन। तो भारत ने आने वाले 2 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। इसका उत्तर ऑप्शन ए $10 मिलियन सही होगा। भारत फिलिस्तीनी युवाओं और अधिकारियों को नियमित रूप से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा 250 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और मानव विकास का समर्थन करने के लिए दिसंबर 1949 में बनाया गया था। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने बेडियू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है रशिया, बी अमेरिका, सी चाइना, डी जापान। 23 जून को चाइना ने अपने बेडियू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चाइना सही होगा। ये सैटेलाइट Mars-B3 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सिजुआन प्रांत से लॉन्च किया गया था। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। इंदिरा रसोई योजना अभी हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विवादित आइलैंड जिसे जापान द्वारा सेंकाकू और चीन द्वारा डियावू किस जल क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है जापान सागर, बी पूर्वी चीन सागर, सी दक्षिणी चीन सागर, डी पीला सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी चीन सागर। अभी हाल ही में विवादित आइलैंड सेंकाकू पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इस आइलैंड को लेकर ताइवान भी अपने अधिकार का दावा करता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी रूस। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय USA के लॉस एंजल्स शहर में खोला गया है।
इस यूनिवर्सिटी का नाम विवेकानंद योगी विश्वविद्यालय रखा गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका सही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में दिए अपने प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग के आयामों से परिचित कराया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश डेजर्ट लोकस्ट मरुस्थलीय टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों में टिड्डी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन के द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। मरुस्थलीय टिड्डी एक फसल नष्ट करने वाली प्रवासी कीट है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भारत होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी ईरान, सी उत्तर कोरिया, डी चाइना। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसमें 39 सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्टेड हैं। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कोर्ट ने चीन के रेल प्रोजेक्ट को अवैध करार दिया था? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है रूस। केन्या में मोम्बासा पोर्ट से राजधानी नैरोबी के बीच रेल प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसे चाइना फंडिंग कर रहा था। इसी पे वहाँ के कोर्ट ने इसे अवैध करार घोषित किया है। इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।